उधर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर मंकीपॉक्स संक्रमण के मामले सामने आने के बाद से ही एक तरफ जहां लोग चिंतित होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी इस बीमारी की रोकथाम के लिए अपनी कमर को कस लिया। झज्जर जिले के सीएमओ कमरजीत सिंधु ने कहा कि जागरूकता के इस बीमारी से बचा जा सकता है और इस बीमारी के लक्षण सामने आते ही मरीज को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में भी मंकीपॉक्स संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और हरियाणा का बहादुरगढ़ शहर दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ, इसलिए वहां पर संक्रमण न फैले इसकी आशंका हम लोग बना रहे हैं ताकि आगे कार्रवाई की जा सके। और सीएमओ कमरजीत सिंधु ने कहा कि जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स इंजेक्शन लगे हुए हैं उन्हें इस बीमारी में 80% बचाव की उम्मीद बनी हुई है। उन्होंने कहा कि समाधान करना चाहिए और सबको सावधान रहने की अपील की गई है और कहा कि तमाम लोग एक दूसरे से दूरी भी बनाकर रखें। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके अंदर जिले में जो दो बड़े अस्पताल हैं उसमें मुख्यतः बहादुरगढ़ का अस्पताल और फिर झज्जर का अस्पताल ये है। लगातार मैं सभी सरकारी अस्पतालों का दौरा कर रहा हूँ, जो भी कमियां हैं उन्हें नोट किया जा रहा है। कोशिश है कि कमियां जिस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड गैप या कहीं मैन पावर से रिलेटेड गैप, इस तरह के जो भी गैप्स हैं उन्हें दूर करेंगे और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सुचारू रूप से चलें और ना केवल चलें बल्कि हम एक क्वालिटी केयर दे पाएं, इसके लिए सारा दौरा किया। आपकी ट्रेनिंग है सिस्टर इसमें?